नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों, अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो मैं बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक लाई हूँ, आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगी। और अगर आपके लिए फायदेमंद हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो अंडे उबालते टाइम अगर आपके अंडे फटते हो तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। उबालते टाइम उसमें आधा चम्मच डालें नमक, उसके बाद उसको ढककर उबलने दें। एक भी अंडा आपका नहीं फटेगा, ये पक्का श्योर नुस्खा है। तो देखिए, सारे अंडे हमारे उबल चुके हैं और एक भी अंडा चटका तक नहीं है। तो टिप्स आपको अच्छी लगे तो आप जरूर फॉलो करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगली टिप की तरफ। जब भी आपके बच्चे नॉर्मल पराठा खा खा के अगर हो गए हैं बोर, तो आप उनको थोड़ा सा डिफरेंट पराठा बना के दीजिए। ये मैं बना रही हूँ चीज पराठा। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल है। मैंने चीज पराठा बनाने से पहले पराठे को नॉर्मल तरीके से ही बेला है और उसमें नीचे मैंने मेयोनेज लगाई है। आप बटर लगा सकते हैं या आप पिज्जा सॉस लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा लें। और लगाने के बाद बीच में रखें चीज, और रखने के बाद इस तरह से चारों तरफ से आपको फोल्ड मारना है, चौकोर बनाना है। और फोल्ड मारने के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से दबाना है। दबाने के बाद आप थोड़ा सा परोथन लगा लें। अब परोथन लगाने के बाद हल्की बेलन की सहायता से इसको बेल लें। बहुत ज्यादा रगड़ के नहीं बेलना है, हल्का सा बेलना है, उतना ही बेलना है जितना कि चीज में जो पराठे की लेयर है वो अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए बनके तैयार है। अब हम इसको गरम तवे पर सेक लेंगे। तवे का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम तवे पर सेकने से क्या होता है, जो अंदर चीज का हमने स्लाइस लगाया है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, मैंने तवे पर इसको डाल लिया है। अब आप इसको बटर में सेकिए या फिर घी में सेकिए या फिर रिफाइंड में सेकिए, आपकी जैसी इच्छा हो। तो मैं इसमें लगा रही हूँ घी और दोनों तरफ लौट पलट करके मीडियम गैस पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। और किनारियों पे भी हल्के हल्के से स्पून से दबाते हुए इसको सेकेंगे ताकि हमारी जो किनारी है वो कच्ची ना रहे। और देखिए, गुब्बारे की तरह पराठा फूल गया है। तो आप ये अपने बच्चों के लिए नाश्ते में जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको सुबह, शाम, लंच में किसी भी टाइम बना सकते हैं। देखिए, पराठा मेरा बनके तैयार है और मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। चटनी, सॉस किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर हमारी ये आपको टिप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो की तरफ। अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। जब भी आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप इडली बनाते हैं तो थोड़ी सी उसमें वेजीज यानी सब्जियाँ कट करके अगर डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता बनता है। तो दोस्तों, मैंने ये सूजी ली थी, ये हमारी मार्केट वाली सूजी है, जो रेडीमेड वाली आती है वो है। तो मैंने बाउल में निकाल लिया है और नॉर्मल डाला है मैंने इसमें पानी, और पानी डालकर हम इसका बनाएंगे घोल। और घोल बनाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। पानी हमने थोड़ा सा गुनगुना लिया है और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी सूजी काफ़ी फूल चुकी होगी। और उसके बाद जो हमने सब्जियां कट की थी वो सब्जियों को हम ऐड कर देंगे। और इससे होगा क्या, जो नाश्ता हमारा है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें कलरफुल बहुत ही पसंद आती हैं, और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो वो उनको पता ही नहीं चलता, इसमें उबल जाती हैं और हेल्दी भी नाश्ता हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, और या फिर मेहमान के आने पर, या फिर शाम की टी टाइम में, जब भी आपका मन करे तब इस नाश्ते को बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर हमारा बनके तैयार है, और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, क्योंकि गाढ़ा बना देंगे तो ये फूलेंगे नहीं, और पतला बना देंगे
तो भी नहीं ये फूलेंगी। तो दोनों ही चीज की कंडीशन है। इसको मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर में और 5-7 मिनट लगते हैं और पक्के तैयार है। नाश्ते को एंजॉय कीजिए। चलते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों मूंग दाल बहुत ही पौष्टिक होती है हमारे शरीर के लिए, तो इसको ज़रूर हमारे खाने में भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने ये एक कटोरी मूंग दाल ली थी और मैंने ओवरनाइट इसको भिगो दिया था, और 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और दाल को भिगोने के बाद मैंने अच्छे से वॉश किया है। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डालकर हम इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब इसमें मसाले डाल लेंगे, जो भी मसाले आपको पसंद हो वो आप मसाले इसमें मिला सकते हैं, तीखा या फीका आप अपनी मर्जी से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मसाले डालने के बाद हम इसको नॉन स्टिक अप्पम मेकर में बनाएंगे। तो जो हम बनाएंगे वो आप नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ों में ये यूज होता है। तो मैंने ये अप्पम मेकर में इस तरह से लगा दिए थे, और इसको आप अप्पे की सब्जी भी बोल सकते हैं, इसको आप चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ इसकी सब्जी, और ये बिल्कुल नॉन फ्राइड सब्जी होती है। तो हल्का सा तेल मैंने लिया है, और तेल गर्म होने के बाद जीरा प्याज टमाटर जो भी आप खाते हो वो मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ी सी मैं बना लूंगी इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के साथ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसको सूखा भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्रेवी बना ली है, और ग्रेवी में मैंने नॉर्मल मसाले जो घर में हम लोग खाते हैं, जो हमारी किचन में रोज़मर्रा में खाए जाते हैं, वही मसाले डाले हैं। कोई भी हमने खास मसाला नहीं डाला है। थोड़ा सा हमने कर दिया है पानी को ऐड, क्योंकि ये डालने के बाद फूलते हैं तो काफ़ी पानी सोख लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने के बाद जो हमने दाल के अप्पे बनाए थे उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। दोस्तों आप बेझिझक बिना सोचे समझे इसको बना सकते हैं, इसको चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, कभी भी आप किसी भी टाइम इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। तो देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, धन्यवाद। और दोस्तों सब्जी को बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल भी भूलना मत। लाइक करने में सभी लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं, ये सब फ्री होता है।